नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं एन नाम वाले जातक का। 28 से लेकर के 31 मई 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय चंद्रमा वृष राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मेष राशि से बाहर निकलकर वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मीन राशि में रहेंगे। बुध पहले मेष राशि में थे लेकिन बाद में वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्य क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आपको अब धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवन शैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन ना करें, यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी। आपका करियर कैसा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफ़ी परियोजनाएं हैं, फिर भी एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी, करियर में आपको एक नया अवसर मिल सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहें। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा, आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।